अस्सलाम वालेकुम, दिस इज इकरा हियर एंड वेलकम टू द जावेद पब्लिशर्स। और आज वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द अनदर न्यू लेटर। और क्या बता सकते हैं कि विच लेटर इज दिस? दिस इज लेटर डी। डी, एंड डू यू नो हाउ डज अ डी साउंड? इट साउंड्स वेरी सिंपल। ड, ड, आप लोग मेरे साथ साथ बोलिए, ड, ड, तेजी से बोलिए, ड, ड। Now, open your book and look here. What is this? This is dog. और dog से मुझे एक song याद आ गया। I have a dog. His name is Bingo. I have a dog. Yes, cute as rainbow. And this is the dog. और आप लोग मुझे बताइए। और आप लोग मुझे बताइए। How many of you have a dog? मेरे पास तो dog नहीं है। Do you have dog as a pet? Yes, very nice. And do you like the puppy? And do you know what is the baby of the dog is called? The baby of the dog is called puppy. This is a small size puppy. Achha, and can you tell me what is the color of this dog? The color of this dog is brown. Ya aap isko skin color bhi keh sakte hain. Now look here, what is the second picture? The second picture is doll. D, D, doll. मेरे साथ साथ बोलिए, डी, ड, डॉल। मुझे पता है कि जितनी भी गर्ल्स ये लड़कियां देख रही हैं, आप लोगों के सबके पास डॉल तो जरूर होगी। मेरे पास भी जब डॉल थी, जब मेरे पास भी डॉल थी जब मैं छोटी थी। एंड हाउ मेनी ऑफ यू, आपके पास डॉल है? अब तो डॉल्स के इतने कैरेक्टर्स आ गए हैं, बार्बी, रुपेंजल, एल्सा, एना और पता नहीं क्या क्या। एंड हाउ मेनी ऑफ यू, किस किस के पास है, किस किस के पास डॉल बैग है, लंच बॉक्स है, बॉटल है? आप लोग सब मुझे बताइए। Now look at this. What is this? This is doctor. D, D, doctor. और आपको पता है कि doctor is play a very good part in our community. हम doctor के पास क्यों जाते हैं? When we got sick, we go to the doctor. See? D, D, doctor. Now look. What is the next picture is? This is duck. D, D, duck. मेरे साथ साथ बोलिए, D, the duck. And what is the color of duck? The color of duck is white. And now move on to the next picture. Ye dekhiye, what is this? D, the dolphin. D, the dolphin. Aur aapko pata hai ki dolphin kahan hoti hai? Ye to ek samundri janwar hai na? It stays in the water. Ye pani mein hoti hai. Aur it is very human friendly. ह्यूमन इंसान दोस्त जानवर है। इट प्लेज विद द ह्यूमन आल्सो, ये इंसानों के साथ खेलती भी है। डू यू लाइक द डॉल्फिन? नाउ मूव ऑन द थिंक एंड टेल पोर्शन। डियर टीचर्स, बच्चों को डी की पहचान कराने के लिए आप उनको टारगेट दें कि बताइए कि डी से क्या क्या वर्ड स्टार्ट होता है। लेट देम थिंक, उनसे पूछिए कोई कार्टून कैरेक्टर या कोई उनका फेवरेट टॉय या कोई एनिमल, कुछ भी जो डी से स्टार्ट होता है। लेट देम थिंक एंड दे विल टेल यू अबाउट दिस। Now move on to the writing formation of letter D. The capital D, first draw the straight line. उसके बाद point 1 से आप half circle बना लेंगे जो point B को join करता होगा. And this is how the capital D look like. Now small d, simple, draw the straight line और इसको नीचे से हल्का सा curve दे देंगे. उसके बाद इसके mid point से आप छोटा सा सेमी सर्कल बनाएंगे जो इसको टच कर देगा। दिस इज हाउ द स्मॉल डी लुक लाइक। टीचर्स, हमें बच्चों की राइटिंग स्किल्स लर्निंग एरिया पे फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चे जितना ज़्यादा लिखेंगे उतनी ज़्यादा उनकी राइटिंग स्किल्स डिवेलप होगी। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देयर आर फ्यू स्ट्रेटजीज, देयर आर फ्यू एक्टिविटीज विच हेल्प टू देयर राइटिंग स्किल्स। जैसे कि आप उनके साथ गेम खेल सकते हैं। आप उनसे कहिए आप एक फ्लोर मैट बना लें चॉक के थ्रू और बच्चों से खुद कहिए कि ड्रॉ द डी और कोई से भी लेटर अल्फाबेट ड्रॉ करें। और जब बच्चे डी ड्रॉ कर देंगे, आस्क देम टू जंप ऑन द डी। उसके साथ साथ आप बच्चों को पेंसिल, क्रियॉन, कलर, पेंट कुछ भी दे दें और उनसे कहें कि डी ड्रॉ करें, अपने डेस्क पे करें या बोर्ड पे करें। उसके साथ साथ आप बच्चों को प्लेडो दे सकती हैं कि प्लेडो के थ्रू बच्चे डी को ड्रॉ करें। बच्चे लव द, चिल्ड्रन लव द कलर एंड दे लाइक द क्रिएटिविटी। लेट देम बी क्रिएटिव।
उसके साथ साथ आप जावेद पब्लिशर्स की राइटिंग बुक का भी सहारा ले सकती हैं, उनके क्लास में कराएं या होमवर्क दें, दैट्स अप टू यू, बट व्हाट आवर टारगेट इज टू डेवलप द राइटिंग स्किल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप यू हैव लर्न द लेटर डी एंड इट्स साउंड्स. नाउ कीप लविंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे कनेक्टेड विद जावेद पब्लिशर्स.